रेड और अब तक कितना वो यहां मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तो पूरी इतनी बड़ी स्क्रीन में समा भी नहीं रहा है। जीरो भी गिन लीजिए। चुनावी सरगर्मी के बीच झारखंड के रांची से ईडी की छापेमारी में मिले करीब 35 करोड़ के नोटों का बंडल कांग्रेस का खेल खराब कर सकता है। उसी कांग्रेस का जो गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर बीजेपी को पानी पी पी कर कोसती है। सैकड़ों हजारों की भीड़ के सामने अपनी टी शर्ट की आस्तीन चढ़ाते हुए राहुल मोदी पर निजी हमला भी करते हैं, लेकिन झारखंड से आई करोड़ों के नोटों की ये गड्डियां और उसका कांग्रेस कनेक्शन राहुल गांधी को भ्रष्टाचार पर चुप कराने के लिए काफी नजर आ रहा है। अदानी को बिना मजदूरी, बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते देखो 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 विकास हो रहा है। जो धन है उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। ये जो पैसा इन्होंने आपसे लूटा है वो आपको वापस देना शुरू कर देंगे। कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। देश के प्रधानमंत्री को पानी पी पी कर कोसने वाले और भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले शहजादे राहुल गांधी आज नोटों के इन बंडलों को देखकर खुद ही पानी पानी हो रहे हैं। दो दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के पलामू में जेएमएम और कांग्रेस के लूट मॉडल की बात की थी। तब कांग्रेस को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि मोदी के बोलते ही 48 घंटों के भीतर कांग्रेस की पोल खुल जाएगी। कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से अपार धन संपदा खड़ी की है। मेरे पास अपनी साइकिल भी नहीं है, न मेरा घर है। भ्रष्टाचार में लिपटे काले धन की हैरान करने वाली तस्वीर है ये। गिनते गिनते थक जा रहे हैं लोग, लेकिन नोटों के बंडल खत्म नहीं हो रहे हैं। अधिकारियों को इन नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी और ले जाने के लिए 12 बक्सों का इंतजाम करना पड़ा। झारखंड में मोदी जिस लूट मॉडल की बात कर रहे थे वो वाकई ऐसा मॉडल है जो आम आदमी की समझ से परे है, क्योंकि ये पैसा जिस शख्स के पास मिला है वो बेहद सामान्य सा नौकर है जिसकी सैलरी महज 15,000 रुपए है। ये जहांगीर का एक घर इसी में है और उसने एक फ्लैट खरीदा था। आप सोचिए कि एक नौकर किराए के मकान में नहीं रहता था और उसने ये अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीद कर रह रहा था। और ईडी जब इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो जहांगीर से पूछा गया कि ये पैसे किसके, तो उसने बताया कि संजीव लाल के पैसे, संजीव लाल आलमगीर आलम के पीएस हैं। और अभी भी ईडी पूरे मामले की छापेमारी कर रही है। कहानी समझिए, ये जो 500 रुपए के बंडलों में बंद 25 करोड़ की रकम जिस शख्स के घर से मिली है उसका नाम जहांगीर है। जहांगीर संजीव लाल का नौकर है। संजीव लाल कौन है? तो संजीव लाल झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस हैं। दरअसल ये पूरी छापेमारी झारखंड की राजधानी रांची में ईडी ने की है। ईडी को जानकारी मिली थी कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा था और काली कमाई का ये पैसा नौकरों के घर पर रखा जा रहा था। इस जानकारी के बाद ईडी ने मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर पर छापेमारी का फुल प्रूफ प्लान बनाया। और जब छापेमारी की तो ईडी के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। नौकर जहांगीर के फ्लैट से
जिस तरह से नोट के बंडल निकलना शुरू हुए तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नौकर के यहाँ से ईडी को करीब 20 से 25 करोड़ रुपए कैश मिला है। इसके अलावा उसी घर में दूसरी जगह से भी 3 करोड़ रुपए बरामद हुए। पीएस के नौकर के घर से इतनी बड़ी रकम की बरामदगी के तार आलमगीर आलम और उनके विभाग में भ्रष्टाचार से जोड़कर देखे जा रहे हैं। आलमगीर आलम कांग्रेस से विधायक हैं और झारखंड सरकार में मंत्री पद संभाले हुए हैं। आलमगीर आलम के पास भारी भरकम बजट वाला ग्रामीण विकास विभाग है। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़ा हुआ है। ईडी ने पिछले साल चीफ इंजीनियर के यहां 10,000 रुपए की रिश्वत के मामले में छापेमारी की। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को ईडी ने फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद वीरेंद्र राम निलंबित कर दिया गया। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण और कई दूसरे टेंडर जारी करने के बदले 0.3% से लेकर 1% तक कमीशन लेने की बात कबूल की थी। तभी झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का नाम पहली बार सामने आया था। इस जांच के दौरान ही आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल का भी नाम सामने आया। ईडी ने बाद में वीरेंद्र राम की करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति को अटैच की थी। ईडी को शक है कि झारखंड में ग्रामीण इलाकों की सड़कों के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए का भी टेंडर अलॉट किया गया, जिनमें मोटा कमीशन लिया गया। ईडी ने जब तार जोड़े तो पता लगा कि निलंबन के बावजूद वीरेंद्र राम अभी भी टेंडर रैकेट से जुड़ा हुआ। इतनी बड़ी रकम की बरामदगी यह बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के विभाग में क्या कुछ चल रहा था और भ्रष्टाचार किस हद तक यहाँ जड़े जमाए हुए था। झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के सत्ताधारी दलों के द्वारा जिस प्रकार से झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया जा रहा है, फिर से आज काले धन का बरामद होना, 25 करोड़ से ऊपर राशि नगद प्राप्त होना, जिसका संबंध अवैध कमाई से है और वो कमाई सत्ताधारी दल के मंत्रियों की है।